करो पंजाबी जट भी है तो मैं खुद ही गोल गप्पा हूँ रास्ता खतरनाक है जंगल से गुजर के जाना है किसको है कोई फिक्र कि शाम हो रही है गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग अभी मॉर्निंग हो गई है हम लोगों ने चाय वाय पी ली है पिंडिया वगैरह खा ली है अब हम तैयार होने लगे हैं हम जाएंगे अब खजियार तो सब लोग तैयार होने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले मैं ही तैयार होंगी गाइस हाँ ये बहुत फास्ट है सच में बहुत फास्ट मैं भी नहा के तैयार ये भी नहा के तैयार ये नहा के हम सब लोग नहा गए हैं चाय वाय पी ली है शूट करना था नाइट सूट में इसलिए नाइट सूट पहन लिए नाइट सूट दिखाने थे मैं फर्स्ट आ गई तैयार होके तुम लोग देखो कितना ढीले ढीले काम करते हो सही बात है और मैं देखो फटाफट तैयार भी हो कैमरा देके जागो जाओ डलहौजी पार्ट टू में आपका स्वागत है डलहौजी पार्ट वन भी आप सबने बहुत इंजॉय किया लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप पार्ट टू को उससे भी ज्यादा इंजॉय करेंगे तो अभी हम सब लोग यहाँ पे बिजी हैं तैयार होने में और कोइंसिडेंस है कि हम सब ने आज ब्लैक पहना है कोई भी डिस्कशन हमारी इससे पहले नहीं हुई थी हमने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था कि हम कौन से कलर के कपड़े लेके आएंगे और कब कब क्या क्या पहनेंगे ये बाय चांस हुआ और ये चांस बहुत ही बढ़िया था तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं खजियार के लिए मेरा दिल ये पुकारे तो वो बैठी के पोज बना के और वो अपनी खींची जा रहे हैं फोटो मैं भी आऊंगी यार यार खजियार जाते जाते हम लोग रास्ते में रुक गए हैं जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम लोग अपने ट्रेवल को भी इंजॉय करते हैं हम रास्ते में रुकते हुए जाते हैं फोटोज क्लिक करते हुए मेमोरीज क्रिएट करते हुए जाते हैं तो हम यहाँ पे रुक गए हैं और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ के अब रुक गिर मत जाना तू आज इन्होंने दोपहर यहीं पे कर दी है अभी हमें खजियार जाना है काला टॉप जाना है और भी चीजें देखनी है चलो चलो जल्दी करो कैसे खाके दिल नींद में खो गया गाइस अभी हम पहुंच गए हैं खजियार ग्राउंड है देखने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं करने के लिए देखते हैं हम क्या क्या करते हैं विक्की तो पहले बहुत बार आई हुई है यहाँ पे तो इसे हम अपना गाइड कह सकते हैं ये हमारा गाइड है इस ट्रिप के लिए हां जी कुछ नहीं मैं कह रही थी मैं क्या हम खजियार पहुंच गए रुचि ऐसे वन पीस में हॉर्स राइडिंग करने वाली है नहीं किस पे बैठेगी तू जागो नाम है सूर्या हाँ ये सूर्य पे बैठेगी जागो हाँ। फिर आप कौन से हॉर्स पे बैठना पसंद करोगे बादल बादल ऐसे हाँ। एक पंजाबी जट भी है बाद में करवाते हैं घर में बन भी जाएगा ना मैडम फोटो घूम जाएंगे तो अभी नहीं भैया अभी तो पूरा व्यू रहेगा फोटो का अभी तो हम एंटर हुए हैं अभी तो हमें घूमने दो थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है दुबी बहुत अच्छी है कम ऑन ब्लैक ब्यूटीज लेके भी आप ही जाओगे यहाँ से सभी कुछ मैडम इसमें आना जाना गाड़ी चल जा कर ले कर ले कल्ली जाऊंगी तेरा मन ने तो क्या हुआ तू चली जा क्या हो गया चली जा कर ले जाके हम तेरे फोटोज खींचते हैं एयर में सेल्फी स्टिक कम यूज नहीं करने देते अगर वीडियो करना है फोन पे या तो हैंड में लो या तो ऊपर गोप्रो कैमरे रहते हैं हीरो के गेन गोलगप्पे और इस बार रुचि भी खा रही है नहीं मैं नहीं खा रही खा ली इसने एक भेलपुरी खाऊंगी एक्सक्यूज मी अभी आपने गोलगप्पा खाया कि नहीं खाया भेलपुरी आपने गोलगप्पा खाया कि नहीं खाया हाँ टेस्ट वाले के लिए खाया मैंने इन्होंने जिंदगी तो खाया सारी बातें मानती है वैसे आई डोंट लाइक गोलगप्पा मैं खुद ही गोलगप्पा हूँ कभी चल रहा है गोलगप्पा पानी जगह को हर आधे घंटे के बाद गोलगप्पे खाने का मन होता है गोलगप्पे खा ले अपने पेट भर के पिछले एक डेढ़ घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं और सच में ट्रस्ट में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा
बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा फील आ रहा है यहाँ पे। और इतनी सारी फोटोज हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक की, हम लोगों को अपडेट भी करती जा रही हूँ अपनी स्टोरीज के थ्रू, इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज भी अपलोड किए जा रही हूँ। तो सीरियसली मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सालों से मेरी ये विश थी कि मैं डलहौजी आऊँ, लेकिन आने का कुछ बन ही नहीं रहा था। देखने को देखा जाए कि ऐसे कोई ज़्यादा स्पॉट्स नहीं होते हैं हिली एरियाज में, लेकिन व्यू होता है। और वैसे भी कंपनी आपकी मैटर करती है कि आप किस कंपनी के साथ आए हैं। बहुत अमेजिंग दोस्त हैं मेरे, सिर्फ एक बार मैंने मुँह से निकाला था कि अगर कहीं घूमने जाना है अब तो हम डलहौजी चलेंगे, तो उन्होंने कहा था बस तूने बोल दिया तो अब हम डलहौजी ही चलेंगे, तो बस मुँह से निकाल कि कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है, हम तेरे साथ हैं। तो ऐसे दोस्त बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं, बहुत ही लक्की होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं। क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे थे? यस, मैं आपके बारे में बात कर रही थी। लव यू यारो, लव यू टू। हम लोगों ने इतनी फोटोज इतनी वीडियोस हमने ले ली हैं कि इंस्टाग्राम पे ना तबाही मच जाएगी जाते ही। कहर मच जाएगा। हम चारों को फॉलो करो गाइस, की आईडीज में नीचे फ्लैश कर दूंगी, चारों को फॉलो करो इतनी सुंदर सुंदर फोटोज और वीडियोस देखने के लिए। ज्यादा लोग गर्म ना होट और उनके पहला खींच दो, ठंडे लोग बाद चो आ रहे। कोई नहीं, होटल चलो आज तुसी ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। सबसे अपनी होट ने संभाली नहीं सारी। खतरों के खिलाड़ी राइडिंग भी करेंगे हम, खतरों का खिलाड़ी है, इसका नाम है खिलाड़ी। सच कहूं तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम घोड़े पे बैठी हूं, और यहां पे आप जो राइड कर सकते हैं वो लॉन्ग शॉर्ट अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, प्राइजेस अलग अलग हैं। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम इस चीज पे स्पेंड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बस पास में ही एक एक राउंड लगाया और हमारा शौक पूरा हो गया। और ये हैं पूनम शर्मा होशियारपुर से, वन ऑफ माय फॉलोअर, अचानक से हमें वहां पे मिले, और जितने खुश वो हमसे मिलकर हुए उतनी ही खुशी हमें भी हुई। अब हम खाएंगे फ्रूट चाट। देखिए ये है फ्रूट चाट जो कि हम खा रहे हैं। वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारी किरण मैम का कहना है कि फ्रूट्स खाने बहुत हेल्दी होते हैं, और वो इसी लिए हम उनको फॉलो भी करते हैं, और हम उनके अच्छे वाले फॉलोअर्स भी हैं। मतलब हमने ब्रेकफास्ट में पिनिया खाई थी और अभी हम लंच में फ्रूट चाट खा रहे हैं। गोलगप्पे भी होते हैं, गोलगप्पे भी खाए थे, भेलपूरी भी नहीं होती, गोलगप्पे गंदे वाले पानी, हाथ भी नहीं धोए होते, भेलपूरी वाले काफी हाथ धोए थे ना, हैंड वॉश से। उसने चम्मच से किया था, गोलगप्पे वाला भाई तो हाथ लेकर उसमें से ऐसे पानी पाके इनको खिला रहा था, और ये लोग खा रहे थे। दैट इज वेरी हेल्दी एक्चुअली। आपने भी खाया है? मैंने तो नहीं खाया। अब हमने कहाँ जाना है? अब हम जाएंगे काला टॉप। कम ऑन लेडीज, कम ऑन फास्ट। जागृति बब्बर आ जाइए प्लीज। यार मतलब ये मस्त है ये अपनी उसमें। हाँ, इसको है कोई फिक्र की शाम हो रही है। देखिए ना, देखिए सो व्हाट, क्या करूँ, पता तेरे को अंधेरा हो जाएगा, जल्दी आ यार। सबसे ज्यादा ना फिर तुझे ठंड लगती है। हाँ, ठंड में लाइफ सेंचुरी काला टॉप घंटे लगा देती है आने में जाने में। काला टॉप की एंट्री, पूरा रोड कच्चा है, एडवेंचर रोड है ये। चल बेटा खींच दे। ओपन जंगल है यहाँ पे, आपको एनिमल्स नजर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अपनी गाड़ी लेके जाना यहाँ पे अलाउड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पे लिखा हुआ था कि डोंट वॉक अलोन। भालू होते हैं यहाँ पे काले, है ना, दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते। काला टॉप पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर रास्ता जंगल का है, बहुत ही कच्चा और बहुत ही नैरो सा रास्ता है, बहुत डरावना भी है। देखिए बस बहुत टाइट है यार। वहाँ से देखियो किरण, उसकी लग तो नहीं रही गाड़ी में। नहीं नहीं बहुत जगह तो चल आगे जाकर। दिल ये
भीगा भीगा है समा मेरा दिल ये पुकारे आजा। यहाँ बैठ के कॉफी पीने का मजा ही कुछ और हो गया। चलो पीते हैं। भाई साहब एवरीवन इज बिजी। रुचि कौशल क्या क्या है पूछ लो जरा, क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैगी आए तो वांट मैगी, आई वांट टोस्ट, बटर टोस्ट ठीक है मेरे लिए, मैं भी खा लूंगी। ये है गाइस यहाँ का सनसेट पॉइंट, बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, सारे कलर इसमें नजर आ रहे हैं, अमेजिंग व्यूज है और बहुत अच्छी कंपनी है मेरे साथ। जो पकोड़े खा रहे हैं, चाय खाने में बिजी है। यस बहुत भूख लगी है, मतलब ऐसे हम बहुत पेट भर के नहीं खा रहे, हमने ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ढंग से हमने लंच भी नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा हम दिन में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी कैलोरीज बर्न भी हो जा रही हैं क्योंकि हम लोग बहुत चल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ इतनी ठंड में डलहौजी में पकौड़े खा रही हूँ। ओह माय गॉड। बहुत सुंदर लग रहा है ना, देखो कुदरत जो बनाती है ना उसका मुकाबला नहीं है यार। लुक हाउ ब्यूटीफुल। गाइस अब हम आपको बताएंगे टोस्ट एक्चुअल में खाया कैसे जाता है। दिस इज बटर टोस्ट। अगर आप इसको ऐसे करके और इसमें ये पकौड़ा रख के और इसको चटनी अच्छा लगा करके ना ऐसे करके खाएंगे ना तो और इसमें मैगी भी रखते हैं, आनंद भी आ रहा है। मैगी भी रख ले, इसमें मैगी भी रख ले। मैगी टोस्ट। दिस इज रिडिकुलस। दिस इज अमेजिंग। जागो की रेसिपी, इट्स डिफरेंट, जिसमें विक्की ने अपना टच दिया है। प्लीज घर पे ऐसा कुछ ट्राई मत करना, अगर आपने ट्राई किया तो आपका अपना रिस्क होगा। वो खाया भी नहीं जा रहा, वो कैमरे से मुंह छुपाते फिर रही है। जरूर टेस्ट करना, जरूर हम खाएंगे ऐसे ही नॉर्मल बटर टोस्ट। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। जल्दी चलो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और वो कर दूंगा। और ये रोज हमें ऐसे डराती है, मतलब रोज हमें ये ऐसे बोलती है। हिमाचलों में होता है यार। अच्छा आत्मा हिमाचल में होती है। तभी तुम देखना कि छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा कहीं मिल जाए तुम भागते मंदिर में घुस जाओ। सो फनी गाइस, आपने देखा ये कितना कितना घना जंगल है। प्रार्थना भी मिल सकती है हमें, वेरी यंग टू एवरीवन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। विक्की हंस रही है कि क्या कुछ भी बोलती है, ये तो पता लगी हुई है, मैं तो अपनी बैग एंजॉय करूं। हां सही है। चलो जी खा पी के अब हम लोग यहाँ से खिसक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही था, हम खाने ही आए थे यहाँ पे। और है यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स वगैरह अगर करने हो तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप टाइमली आ जाओ तो। अभी काफी अंधेरा हो गया, हम लोग काफी लेट हो गए, हम लोगों को अपना होटल वापस जाना है। और फिर रास्ते में जैसे रुचि ने कहा कि आत्मा वगैरह भी मिल सकती है तो इसलिए हम डर गए हैं, तो हम फटाफट यहाँ से भाग रहे हैं। हमें कोई एडवेंचर यहाँ पे नहीं करना, रास्ता खतरनाक है, जंगल से गुजर के जाना है, जंगली जानवर मिल सकते हैं। ये देखना इसको, तुझे लगता है और डर जाएंगे हम हैं? जब डरता तो अच्छा डर जाता। हाँ, तुझे वहां फेंक के निकल जाएंगे हम। गाड़ी कैसे लेके जाओगे? ये सारी रील्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी और आईडीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी हैं। बताएं क्या हो, गाड़ी चला ले तेरी, पता खाई में जाएंगे यही होगा। प्लीज चुप कर जा, बैठा प्लीज रुचि देख कोई है, चलो उतरो उतरो यार, तुम कह रहे थे ना, चलो उतरो उतरो, चलो प्लीज लॉक कर दे यार, चलो चलो यार उतरो, कह रही थी ना तुझे डर नहीं लगता, चल जल्दी से उतर नीचे, चल पड़ो मेहरबानी करके, लॉक है ना गाड़ी।
सड़क पे उतरे हैं यहाँ पे, हम अभी जंगल क्रॉस करके यहाँ पे रोड पे हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बस यहाँ पे रुकी आपको एक व्यू दिखाने के लिए, सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे पहाड़ देखो पूरे लाइटों के साथ भरे हुए हैं, और वो कलर देखो आप वहाँ पे, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। चलो गांधी मार्केट चलते हैं यार, ये तो अभी तो अंधेरा है यार, यहाँ पे तो इधर जा रहे हैं। नहीं नहीं गांधी मार्केट चलते हैं। तुम बता दो मुझे कहाँ जाने यार, मेरा पेट बहुत दुख रहा है यार, फिर से नहीं चला जाता, मेरी बस हो गई है। इसको स्केटर्स लेके देने हैं अब हमने। अब पहुंच गए हैं हम गांधी चौक होटल जाते जाते। जब भी आप डलहौजी आए आप गांधी चौक जरूर आए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कॉफी भी नहीं है, कॉफी पीते लगता है। चलते कैसी बनाना जैसे अपने कल बनाई थी। चीयर्स। खाने को इतना कुछ है और रुचि का इतना मन कर रहा है खाने का, लेकिन बोल रही है कि मेरा पेट भरा हुआ है। और ये लड़की ना हमें गांधी चौक के चारों रस्तों पे घुमा रही है। लोगों को पता चल जाएगा कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। कहाँ तक जाना है मुझे बता पहले। इट्स माई प्लेयर, माई प्लेयर। शॉल शॉपिंग, हमने डलहौजी में कुछ भी खास शॉपिंग नहीं की, लेकिन यहाँ से जाते जाते कुछ शॉल्स ले लिए निशानी के तौर पे। ये शॉल्स देखने में काफी गर्म लग रहे थे, उनके प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल थे। थर्ड डे की मॉर्निंग और आज है हमारी घर वापसी, तो रात तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, लेकिन बाय चंबा होते हुए जाएंगे, तो वहाँ पे जो भी लोकेशन है देखने वाली वो भी हम देखते हुए चलेंगे। मन नहीं कर रहा था किसी का भी जाने का, आज सब लोग सोच रहे थे कि काश इस ट्रिप को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर पाते, यानी कि आज की बजाय हम कल घर वापस जाते, लेकिन नहीं, सबके अपने अपने शेड्यूल्स होते हैं, अपनी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और रुचि के बच्चे काफ़ी छोटे हैं जो उसे मिस भी कर रहे हैं, तो बस अभी आज हमें जाना ही पड़ेगा। ये डलहौजी का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं रेडी हो गई हूँ, सब लोग भी ऑलमोस्ट रेडी ही हैं, सामान हम गाड़ी में लगवा रहे हैं, तो बस जस्ट निकलेंगे। दो दिन इतनी मस्ती करने के बाद ये जो चेकआउट करने का मोमेंट होता है ना, ये काफ़ी पेनफुल होता है। मतलब सबके चेहरे उतरे हुए थे, किसी का मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन साथ ही सच्चाई ये भी है कि नई जर्नी तभी शुरू होती है जब पुराने वाली ख़त्म होती है। दुकान यही है जी। स्पेशलिटी क्या है इसकी? मिंजर का मेला लगता है। क्या लगता है? मेला वगैरह। किसका मेला? मिंजर, मिंजर का मेला। मेला जून जुलाई में। जून जुलाई में। वैसे ये खाली रहता है, टूरिस्ट वगैरह तो नहीं आते यहाँ पे? नहीं नहीं खाली नहीं रहता अभी की ये मान लो ना। गाइस अब हम जो हमारे ये दो प्राणी हैं उनको जूस देने जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए। इसके बाद हमने चंबा के एक बहुत ही पुराने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में विजिट किया। इरादा था यम मंदिर देखने का, सुना था कि चंबा में कोई यम मंदिर है, मतलब यमराज का मंदिर, पूरे इंडिया में वो एक ही मंदिर है, लेकिन वो एग्जैक्ट चंबा में नहीं था, चंबा से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं था, सो हमने इसी मंदिर में विजिट किया और निकल आए। और ये काफी प्राचीन मंदिर लग रहा है। होटल से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, तो रास्ते में चंबा के ही पंजाबी ढाबा में हमने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने खाए तंदूरी परांठे। और साथ ही वहां की स्पेशल लस्सी का आनंद भी लिया। किसी नजर भैया चाय मिल जाएगी, अदरक वाली मिल जाएगी, मिल जाएगी भाई, आ जाओ। मतलब कहीं भी कोई भी जगह मिल जाए, कोई भी लोकेशन मिल जाए, फोटो खींचो, फोटो खींचो, सेल्फी यार खींच लो, सड़क पे खड़े होके करो।
डाइट हंटी हो रही तेरी। हेलो और ये इस व्लॉग का लास्ट सीन है और इसके साथ ही डलहौजी का ट्रिप खत्म हो गया। बेशक ये ट्रिप खत्म हो गया है लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सभी लोकल रहते हैं और कभी किसी एक का भी मन होता है मिलने का तो बाकी के तीन अपना काम धाम छोड़ के मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं बहुत मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी उम्र क्या है। कोई मतलब नहीं हमें अपनी उम्र से, उन नंबर से, और ना ही हमें कभी तकलीफ होती है किसी जगह को छोड़ने की। बस थोड़ी सी तकलीफ एक दूसरे से अलग होने की जरूर होती है, लेकिन ये जिंदगी है, ऐसे ही चलती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।